निफ्टी 50 के लेवल्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको कल कॉल साइड एंट्री लेना है तो आपको 19650 19660 ब्रेक होने का वेट करना है, या अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19700 19700। अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19750 देन 19800। तो फॉर कॉल साइड आप ये लेवल्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपको पुट साइड एंट्री लेना है तो आपको 19600 ब्रेक होने का वेट करना है। 19600 अगर ब्रेक होता है तो आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है 19500 तक, 19550 एंड देन आज का लो 19510 512। आज का डे लो अगर ब्रेक होता है तो फिर ये जो पिछले 5-6 कैंडल से 19485 तक आपको नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है 19485 देन 19450 19450 अगर ब्रेक होता है तो 19400 एंड ये कैंडल का जो लो है 19339 तक आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। तो हमारे लिए निफ्टी 50 में नो ट्रेड जोन जो रहेगा 19640 19650 19660 टू 19600, ये हमारे लिए निफ्टी 50 में नो ट्रेड जोन रहेगा। जो आज का लो है और ये जो कैंडल्स का लो है 19485, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ये भी बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। निफ्टी बैंक के लेवल्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको कल निफ्टी बैंक में कॉल साइड एंट्री लेना है तो 43800 ब्रेक होने का वेट करना है। 43800 अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43900 44000 एंड देन आज का डे है 44058 44058 अगर ब्रेक होता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है 44150 44200 एंड वो टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपको पुट साइड एंट्री लेना है तो आपको 43700 ब्रेक होने का वेट करना है। 43700 अगर ब्रेक होता है तो आपको 43600 एंड 43558 आज का जो डे लो है वहाँ तक एक आपको फास्ट मूव मिल सकता है। 43516 में वन डे में सपोर्ट है, ये बात जरूर ध्यान में रखें। पिछला जो रिसेंट का जो लो था निफ्टी बैंक का, वो आज ब्रेक होके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिए, देन उसके बाद जो नेक्स्ट लो है 43400 अगर आप ये वीकली का चार्ट देखें तो ये जो कैंडल है इसमें जो लो है वो आज ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है एक बार, तो आप नेक्स्ट जो लो है ये कैंडल का लो 43392 43400 एंड एज पर मंथली चार्ट 43500 एंड देन 43283 तक आपको लेवल्स मिल सकते हैं। मतलब 43500 एंड जो वीकली में ये जो पिछला जो लो है 43364 ये अगर ब्रेक होता है तो आपको 43240 43150 43100 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 500 टू 600 पॉइंट्स का डाउनफॉल भी आपको देखने मिल सकता है। एज पर मंथली चार्ट आज का डे लो अगर ब्रेक होता है तो आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है 43250 तक आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है एंड वो अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट है फिर 43000 नियर अबाउट 43300। तो निफ्टी बैंक में हमारे लिए नो ट्रेड जोन जो रहेगा 43800 एंड 43700
ऐसे भी हो सकता है गैप डाउन अगर खुलता है तो आज का जो डे लो है वहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, तो आप ये भी बात जरूर ध्यान में रखें। और गैप अप अगर खुलता है तो आज का जो डे आए वो ब्रेक होने का जरूर वेट करें, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है।